हेलो, आप सभी देखने वाले लोगों को राजेश का प्रणाम। आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, ईश्वर आप लोगों को सही दिशा मार्ग दे, आप लोग सफल हों, स्वस्थ रहें। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है सच्ची आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मूलतः व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व में जन्म जन्मांतर से पड़ी गांठों को खोल सकते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि अपने विकास की प्रक्रिया को तीव्र कर देना। अध्यात्म के मार्ग पर चलने का अर्थ है कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहा है, किसी कार्य में पूरी तन्मयता से डूबना आध्यात्मिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। क्योंकि किसी चीज़ को सतही तौर पर जानना संसारिकता है और उसे गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि शून्य में विराट समाया है और इस विराट में भी शून्य है। वे सभी गतिविधियां जो मनुष्य को निर्मल बनाती है, आनंद से भरपूर करती हैं, पूर्णता का एहसास दिलाती हैं, स्वयं से परिचय कराती हैं, अध्यात्म के अंतर्गत आती हैं। आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है अंतर यात्रा से। मनुष्य पूरी दुनिया में भ्रमण करता है, लेकिन अपने अंतर जगत में प्रवेश नहीं करता। यदि किए जाने वाले कार्यों का उद्देश्य स्वार्थ न होकर परमार्थ है, यदि व्यक्ति अपने अंदर से क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लालच आदि को खत्म कर दिया है, व्यक्ति की बाहरी परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, पर वह यदि आंतरिक रूप से प्रसन्न रहता है, व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उसके लिए यदि वह परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता महसूस करता है, तो इसका अर्थ है कि वह आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है। जो इस शरीर में ही रहते हुए सब में परम सत्ता को अनुभव कराता है, वही आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक है। एक सांसारिक मनुष्य केवल सांसारिक कार्यों को ही कर पाने में सक्षम होता है, जबकि आंतरिक संतुष्टि के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके विपरीत एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी आंतरिक संतुष्टि स्वयं अर्जित करता है और मात्र सांसारिक कार्यों के लिए वह संसार पर निर्भर रहता है। इसको लिखे हैं अवध बिहारी शुक्ल जी। आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है। ईश्वर आप लोगों को सही दिशा मार्ग दें, आप लोग सफल हों, आप लोग स्वस्थ रहें। अच्छा लगे वीडियो तो अवश्य आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी का बटन को दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को वीडियो का पहले आप लोगों को मिलता रहे। जय श्री कृष्णा।